सो गाइस, अब इस फोटो का कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको लाइटरूम वाले ऑप्शन, लाइटरूम पे फोटो को ओपन कर लेना है। उसके बाद एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको मिक्स टूल पे इसको ल्यूमिनेंस को प्लस कर देना और इसको माइनस, इसको भी प्लस, तो ग्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको प्लस माइनस कर देना, इसको प्लस और ल्यूमिनेंस को माइनस, तो इसको भी माइनस, इसको भी प्लस, एलिमिनेंस को माइनस। तो गाइस लाइटरूम पे, तो गाइस लाइटरूम पे फोटो को ओपन कर लेना है। लाइटरूम पे फोटो को ओपन करने के बाद एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, यहाँ पर लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस लाइट को थोड़ा माइनस कर देना और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा प्लस कर देना और शेडो को माइनस और एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा देना है। कम हो जाने के बाद आपको कलर टूल पर क्लिक करके मिक्स टूल पर जाना, सेकेंड वाले को थोड़ा ल्यूमिनस को प्लस कर देना और येलो टोन पे जाके इसको माइनस कर देना, सैचुरेशन को माइनस और ह्यू को प्लस और इसको माइनस, तो उसके बाद फिर से इसको प्लस कर देना, थोड़ा सा प्लस कर देना, उसके बाद इसको माइनस, ल्यूमिनस को भी माइनस, तो इस कलर पे जाके इसको माइनस पे, इसको प्लस पे, इसको माइनस पे। तो गाइस ये काम हो जाने के बाद आपको सिंपली इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डीप नेट का माइनस कर देना और इसको फादर को बढ़ा देना। तो गाइस ये काम हो जाने के बाद आपको फिर से कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, कलर ग्रेडिंग पर क्लिक करके आपको स्काई ब्लू पर रख लेना है। तो मैं स्काई ब्लू पर रख लेता हूँ, तो हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसको पर क्लिक करके, तो गाइस ये देखो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो ये काम हो जाने के बाद आपको सिंपली फोटो को सेव कर लेना गैलरी पे।